और आइए बढ़ते हैं आगे। देवभूमि में जो आज दो सीटों पर उपचुनाव होना है उसके ऊपर आपको जानकारी दे देते हैं। वोटिंग इस समय चल रही है उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर। आज लगातार उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। चमोली की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार की मंगलोर सीट, जिन पर दोनों ही तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं, प्रचार किया गया है, लेकिन आज वोटिंग के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये सीटें किसके खाते में जाती हैं। दोनों सीटें जिन पर शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, बद्रीनाथ विधानसभा में 9 बजे तक 7.62% मतदान हो चुका है। ये 9 बजे तक का वोट परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा में लगभग 7.25 कह सकते हैं आप फीसदी मतदान हुआ है 9 बजे तक। और मंगलौर की आप बात करते हैं तो सुबह 9 बजे तक यहां पर 8.74% मतदान हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है तब तक ये प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप कह सकते हैं कि जो वोटिंग हुई है वो अब तक बेहतर नजर आ रही है सुबह 9 बजे तक की। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार QRT टीमें भी हैं और मोबाइल पार्टीज भी लगाई गई हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगाई गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ आज हो रही वोटिंग को लेकर। बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल हमारे साथ है, मंगलौर से मनोज ज्वाल हमारे साथ है। नितिन, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये दो सीटें जिनके ऊपर वोटिंग हो रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी जीत के दावे किए हैं और दोनों ही सीटों पर बसपा ने भी अपनी कैंडिडेट को उतारा है। मतलब मंगलौर की वो सीट जिस पर बसपा ने अपनी जीत भी दर्ज की है, तो आप कह सकते हैं कि मंगलौर में तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन क्या बद्रीनाथ में त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिख रहा है? वोटिंग किस तरह की चल रही है, कितने लोग अब तक वोट देते हुए उत्साहित नजर आ रहे हैं, सारी अपडेट अब तक की वोटिंग की दीजिए। जी, अगर बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो सुबह लगभग 8 बजे मतदान शुरू हो गया था, लेकिन अभी अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे हमारे पास आए हैं। पूरे विधानसभा के 7% मतदान अभी तक हुआ है। हालांकि सुबह सुबह के रुझान है, थोड़ा सा समय जरूर लगता है क्योंकि पहाड़ के गांव दूर है, पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए टाइम काफी लग जाता है लोगों को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे ही दिन चढ़ता जाएगा आगे की तरफ वैसे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। और पहाड़ों में हमने पिछले चुनाव में भी देखा है कि दोपहर के बाद मत प्रतिशत बढ़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में रुझान भी है, लोग तस्वीरों में आप देखिए मतदान करने के बाद मतदान स्थल से बाहर आए हैं, कोई विकास के लिए वोट दे रहा है तो कोई सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान करने की कोशिश इस चुनाव में कर रहा है। कुछ मतदाताओं से हम एक बार फिर से बात करेंगे। जी, आपने अपना मतदान का प्रयोग कर दिया है, क्या सोचकर इस बार आपने मतदान किया? युवा साथी भी हमारे साथ है, किस तरीके का युवाओं में इस बार रुझान देख रहे हैं आप? इस बार युवाओं में काफी अच्छा रुझान है क्योंकि जो देश में निरंतर देश को प्रगतिशील बना रहे हैं और निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं में भी बहुत जोश है। तो युवाओं लोग, हमारे जितने भी युवा लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मतदान तक पहुँच रहे हैं और विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। जी, आप सुन सकते हैं मतदाताओं को किस तरीके से विकास के नाम पर भी लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं। सशक्त लोकतंत्र की बात हो रही है, देश हित की बात हो रही है। ये पोलिंग बूथ आप देखिए, ये जोशीमठ नगर का ब्लॉक स्थल का ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि अभी आपको कुछ ही लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ता चले जाएगा ये जो मतदान लौटूंगी आपके पास। मनोज से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। मनोज ज्वाल हमारे साथ मंगलौर से इस समय लाइव मौजूद है। मनोज, देखिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग इस समय बद्रीनाथ में चल रही है, मंगलौर में आप इस समय किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, कैसा मतदान चल रहा है, कितना लोगों में आपको उत्साह नजर आ रहा है और किन मुद्दों के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, संपूर्ण जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मंगलौर विधानसभा के निबरू गांव में हूं, वहां पे मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। 9 बजे तक जो मतदान परसेंट है वो 8% हो चुका है और यहां पे अभी एक छोटा सा मामला दो पक्षों में विवाद का भी सामने आया है और उसको लेकर भी हम तमाम से पुलिस फोर्स मौजूद की गई थी और उसके बाद से मामला शांत किया गया है। कहीं ना कहीं
से जो चुनाव है कहीं ना कहीं दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए साथ का सवाल जरूर है। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और बसपा त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और जिस तरीके से यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है पुलिस प्रशासन भी उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना चाहती है क्योंकि ये चुनाव है उस चुनाव है और मंगलौर विधानसभा में खासकर मैं कहूँ तो एक जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होनी है और हो रही है उसके साथ जाहिर होता कि वोट परसेंटेज कहाँ जाएगा लेकिन लोग सुबह से घरों से निकल रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है मनोज आप बने रहिए मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ा अपडेट और दे देते हैं अपने दर्शकों को वोटिंग से लेकर कि देखिए रुड़की के मंगलौर में से एक खबर आ रही है जहां मंगलौर के लिब्बरहेड़ी विवाद गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। मामूली सी कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है गांव में। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। मनोज ज्वाल इस पर हमें जानकारी देंगे। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव से तस्वीरें हैं जहां पर एक छोटी सी बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मामूली सी कहासुनी के बाद बात जो है मारपीट तक पहुंच गई और इसी की वजह से यहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी विवाद से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गाँव में किस तरह का माहौल बना है हालात को सामान्य करने के लिए भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। मनोज इस पर जानकारी दीजिए ये क्या बात हो गई ऐसी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि विवाद छोटा सा ही था जिसको बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता था लेकिन बात मारपीट तक पहुंच गई और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है वो भी भारी संख्या में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं लिब्बरहेड़ी गांव तो वोटिंग को लेकर थोड़ा कहा सुनी होगी तो और उसके बाद जो मामला मारपीट तक पहुंच गया है और उसको लेकर पुलिस ने लगातार यहाँ पे गश्त कर रही है। तो जो माहौल है उसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है। लगभग अभी जो माहौल है शांतिपूर्ण है वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे सुबह जो माहौल था वो देखने को मिला था क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग चल रही है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती जरूर होगी क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग चल रही है और इस तरीके की छुटबुट घटनाएं जो देहात क्षेत्रों में है वहां पर देखी जा सकती है। लेकिन अभी जो ये मामला हुआ है इसमें पुलिस फोर्स और जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग इसमें घायल जरूर हुए लेकिन अब जो पुलिस है पुलिस का सामना कि मामले की जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा आखिर किस चीज पर ये बवाल हुआ और क्या रहा। फिलहाल यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। जी वोटिंग किस तरह की हो रही है यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं कि जो ये पोलिंग बूथ है आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगभग 9 बजे तक यहाँ पे 8% वोटिंग हुआ है और यहाँ पे आज बहुत बड़ी गर्मी भी बहुत चल रही है और उसको लेकर भी यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसको तमाम से विवाद का असर वोटिंग पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर भारी भीड़ यहाँ पहुंची हुई है मतदान करने के लिए। हालांकि माहौल को सामान्य और शांत करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की इस इलाके में तैनाती कर दी गई है। मनोज ज्वाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये बढ़ रहे हैं आगे आपको बता रहे हैं कि बद्रीनाथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मतदान किया है। अपने गांव ब्राह्मण थाला के बूथ पर महेंद्र भट्ट ने वोट डाला है। वोट कास्ट करती हुई उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नागरिकता का प्रतीक होता है। मित्रों मैंने अपना मतदान कर दिया है और मैं बद्रीनाथ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें। मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की एकता अखंडता नागरिकता का प्रतीक होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि मतदान करें। तो बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी ने भी अपना वोट डाला है और इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है।